हेलो एवरीबडी वेलकम टू आशीत सिंह लेक्चर्स आई एम मदीहा खान योर फ्रेंड हु इज़ एयर टू हेल्प यू विद योर इंग्लिश लैंग्वेज तो हमारा चैप्टर चल रहा था पोइट्स एंड पेनकेक्स और उसमें हम पढ़ चुके थे कि भाई पोइट्स एंड पेनकेक्स में क्या हो रहा था कि पेन केक्स जो है वो एक मेकअप ब्रांड का नाम था ठीक है मेकअप ब्रेंड ब्रांड का नाम था मोस्टली कॉम्पैक्ट पाउडर वगैरह का था ठीक है पोइट्स एंड पेनकेक से यहाँ पर क्या था हमारा चैप्टर था के एक मतलब जैमिना स्टूडियो था जहाँ फिल्म्स बनती थी प्लेज होते थे है ना तो इसीलिए यहाँ पर पोइट्स बोला गया क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी फिल्म मेकिंग जो है वो कम्प्लीट नहीं है किसी लिरिसिस्ट के किसी राइटर के बिना ठीक है तो यहाँ पे चैप्टर का मतलब ये था अब चैप्टर में हम इतना पढ़ चुके थे कि एक ऑफिस बॉय होता है जो सुब्बू को बिल्कुल पसंद नहीं करता है सब्बू जो बॉस का बहुत चहीता होता है क्योंकि उसके पास काफ़ी दिमाग होता है ठीक है तो हम यही बात कर रहे होते हैं अब उसके आगे चैप्टर में क्या हुआ है वो हम जानेंगे आज की क्लास में ठीक है तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड

चार नए ऑल्टरनेटिव दे देता है लेकिन अगर प्रोड्यूसर बोल दे कि हाँ अच्छे हैं लेकिन मज़ा नहीं आ रहा और कुछ चाहिए इफेक्टिव और उसी टाइम में सुब्बू जो है चौदह अच्छे और ज़्यादा ऑल्टरनेटिव दे देता था फिल्म मेकिंग मस्ट है मैन लाइक सुब्बू अराउंड एंड इफ़ एवर देर वॉज अ मैन हु गेव डायरेक्शन इन डेफिनेशन टू जेमिनाय स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर्स इट वॉज सुब्बु ठीक है फिल्म मेकिंग जो थी काफ़ी ईजी थी अगर सुब्बु जैसे लोग आस पास हों और जेमिनायज स्टूडियो को शेप देने में उसको इतना आगे तक बढ़ाने में सुब्बू का बहुत बड़ा हाथ भी है सुब्बू हैडी पोए सुबू आइडेंटिटी भी थी, थी। बॉस का चाहिए नंबर टू होने के अलावा भी सुब्बू एक पोइट भी था उसे पोइट्री इतना काफी पसंद था ठीक है और काफी ज्यादा दूसरी चीजों के लिए भी वो कैपेबल था ही डेलीबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू मास ने जो है

विद डजेंस ऑफ वेरी डेफ्टली एज्ड कैरेक्टर्स ठीक है अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई उसने काफ़ी सारी जो इन स्टोरी है स्टोरी पोम्स लिखी हैं इन फॉक रेफरेंट ठीक है फॉक रेफरेंट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि भाई जो मतलब काफ़ी मतलब ऐसे जो रिपीटेड उसमें ना और डिक्शन और काफ़ी सारी जो है उसने एक नॉवल भी लिखी है उसने एक थिलाना मोम्बल जिसमें काफ़ी सारे उसने जो वर्ड थे ना वो काफ़ी किससे चतुराई से चुने हैं ठीक है और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो भी कैसे हैं ज़्यादातर चतुराई से मतलब उसने बनाए हैं वो कैरेक्टर बारीकी से ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदास ऑफ द अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी उसने मतलब एक मतलब कहते हैं ना रिक्रिएट करना कोई चीज़ उसको भी काफ़ी सक्सेसफुली तरीके से किया था ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर ही नेवर एस्पायर टू द लीड रोल्स वो एक काफ़ी अच्छा अभिनेता भी था और कभी भी उसके अंदर इच्छा नहीं थी कि उसे लीड रोल्स मिले मेन रोल्स मिले बट वॉट एवर सब्सिडायरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म ही परफॉर्म्ड बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर ठीक है लेकिन अगर जो भी रोल उसे मिलता था कोई भी सपोर्टिव रोल सब्सिडायरी रोल वो इतना ज़्यादा अच्छे से करता था कि लोग मेन लीड को तो भूल ही जाते थे कि मेन लीड से अच्छी एक्टिंग तो हमारा सुब्बू कर रहा है He had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. ठीक है अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई वो काफ़ी मतलब सब लोगों से प्यार करता था और उसके घर पे ऑलमोस्ट हमेशा उसके रिश्तेदार उसके जानने वाले आते ही थे और वहाँ पर वो उन्हें सबको अच्छे से ट्रीट करता था और खाना वाना भी खिलाता था इट सीम्ड अगेन सुबुज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ देम ठीक है और ऐसा था कि मतलब उसका नेचर ऐसा था इतना अच्छा था कि उसको शायद खुद को भी रियलाइज नहीं होता था कि वो कितना अच्छा काम कर रहा है इतने सारे लोगों को वो खिला पिला रहा है और इससे वो कितना अच्छा काम कर रहा ये चीज उसको रियलाइज भी नहीं होती थी सच अ चैरिटेबल एंड इंप्रोविडेंट मैन एंड येट हैड एनिमीज ठीक है इतना ज्यादा चैरिटेबल इंसान इतना ज्यादा जो दान करता है जो अच्छा है है ना और इंप्रोविडेंट है जो बेपरवाह इन चीजों को लेकर जिसको कुछ इंप्रोविडेंट का मतलब लिख लो पहले बेपरवाह

यू सो सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रोल्स ही वाज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट कम्प्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स ठीक है अब आप हमेशा जो है सुब्बू को बॉस के साथ देखोगे लेकिन सुब्बु का जो एक अलग डिपार्टमेंट था जो स्टोरी डिपार्टमेंट कहलाता था जिसमें एक लॉयर भी था कुछ राइटर्स वगैरह भी, भी थे और पोइट्स भी थे ऑपोजिट लेकिन उसको सब जो है ऑपोजिट ही बोलते थे क्यों क्योंकि एक सीन हो गया था इंसिडेंट था जो मैं बता रही हूँ तुम्हें आके एन एक्सट्रीमली टेलेंटेड एक्ट्रेस ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्प्रामेंटल ऑन दी सेट्स ठीक है एक काफी टैलेंटेड काफी अच्छी एक्ट्रेस थी अभिनेत्री थी है ना लेकिन काफी गुस्से वाली थी तो एक बार वो सेट पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं व्हाइल एवरीवन स्टूड स्टैंड द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ठीक है stand, लेकिन जब सब हक्के बक्के रह जाते हैं उस वक्त ऑब्वियसली लॉयर दिमाग वो क्या करता है धीरे से रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है व्हेन द एक्ट्रेस पॉज्ड फॉर ब्रीथ ब्रेथ और क्या होता है जैसे ही एक्ट्रेस रुकती है सांस लेने के लिए जो वो इतना बोल रही होती है गुस्सा कर रही होती है द लॉयर सेट टू हर वन मिनट प्लीज एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग अब जो लॉयर है वो बोलता है एक मिनट रुकिए आप मैडम और क्या करता है जो भी वो रिकॉर्डिंग होती है ना उसकी वो पूरी उसको वापस सुना देता है

कर दिया था इसलिए सब उसको हमेशा ऑपोजिट बोलते थे वाइल मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट वोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सब जो है कोई ना कोई यूनिफॉर्म पहनते थे खादी धोती विद विद्लाइटली ओवर साइज एंड क्लमजली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट तो सबके जो कपड़े होते थे डिपार्टमेंट में वो कैसे होते थे खादी धोती होती थी और एक खादी शर्ट होती थी द लीगल एडवाइजर वोर पेंट एंड कोट दैट लुक लाइक अ कोट ऑफ मेल लेकिन जो लॉयर था वो कोट पैंट वगैरह में रहता था स हमें मतलब ज्यादातर तो वो कैसा दिखता था कि काफी जैसे अकेला हो और कोई हो नहीं उसके पास अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन अ क्राउड ऑफ ड्रीमर्स अल मैन इन असेंबली ऑफ गांधी एंड खादी ठीक है और वो इंसान कैसा था कोल्ड लॉजिक लॉजिक का था ऑब्वियसली भाई उसको लीगल चीजें संभालनी होती थी लॉयर है तो वो जो है इमोशन नहीं यूज कर सकता था लाइक सो मेनी ऑफ दो बॉस ही अलॉट ऑफ रोज एंड पेनकेक वर यूज नॉट मच केम ऑफ द फिल्म ठीक है आप जैसे की वो भी जो है क्लोज था जैसे सुब्बू क्लोज था वैसे ही वो भी जो है क्लोज था बॉस के और उसको जो अलाउ किया गया था कि चलो तुम एक मूवी बनाओ खुद हीरो रहो ये वो और ऐसे ही हुआ कि भाई काफी सारा कामझाम हुआ उसमें और काफी सारा मेकअप वेकअप सब यूज हुआ लेकिन उस मूवी से कुछ फायदा नहीं हुआ मतलब मूवी जो है ज्यादा चली नहीं Then one day the boss closed down the story department and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home. लेकिन एक बार की बात है कि सudden क्या हुआ? Story department banned कर दिया गया boss के द्वारा और ये पहली बार हुआ होगा कहीं पर भी कि एक लॉयर ने अपनी जॉब खो दी क्योंकि पोएट्स को घर जाने को बोला गया था मतलब सोई डिपार्टमेंट बंद होने की वजह से स्टूडियो द फेवरेट ऑफ पोएट्स लाइक योग्या सांगू सुब्रमण्यम कृष्णा शास्त्री एंड हरिद्र नाथ चट्टोपाध्याय तो जैमिना स्टूडियो जो था वो फेवरेट जगह होती थी पोएट्स के लिए और कुछ पोएट्स के नाम यहाँ दिए गए हैं इट हैड एन एक्सीलेंट मैथ विच सप्लाइड गुड कॉफी और वहां पे जो है जो कैंटीन थी वो काफी अच्छी थी और काफी अच्छी कॉफी मिलती थी वहाँ ऑफ़ द डे दोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट ठीक है और कब मिलती थी ज्यादातर दिन भर और रात भर मतलब वहां पर कॉफी अच्छी मिलती थी ठीक है यहाँ वो उस टाइम की बात है उस टाइम के दिन थे जब कांग्रेस का जो रूल था वो क्या था निषेध था और कॉफी के ऊपर मिलना जो है वो ज़्यादा एंटरटेनिंग लगता था इंटरेस्टिंग लगता था

वो खादी कपड़े पहनते थे गांधी जी को ही पूछते थे लेकिन उनमें मतलब है ना कोई भी मतलब पॉलिटिकल चीजों को लेकर कोई अप्रिसिएशन नहीं थी कोई प्रशंसा नहीं थी नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म ठीक है अब जो साम्यवाद था उसको लेकर वो काफी अवर्स थे अ अ अ कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट गॉडलेस मैन उनके हिसाब से जो एक uh, साम्यवादी इंसान है वो क्या है गॉडलेस मैन है मतलब उसको गॉड से कोई लेना देना नहीं है ही हैड नो फीलियर और कॉन्जुगल लव फीलियर बेटा संबंधी मतलब उसको ना तो माँ बाप को लेकर कोई प्यार था और ना ही उसको कोई कॉन्जुगल लव था मतलब शादीवादी मतलब अपनी वाइफ वगैरह को लेकर ठीक है He had no compunction about killing his own parents or his children. उसको कोई गम नहीं था कोई मलाल नहीं था अगर वो अपने ही पेरेंट्स को अपने ही बच्चों को मार भी देता He was always out to cause and spread unrest and violence among innocent and ignorant पीपल ठीक है और उसको जो है हमेशा मतलब क्या था कि बस वो जो कम्युनिस्ट इंसान था वो हमेशा क्या करता था कि भाई यहाँ पे मतलब ये बता रहे हैं कि स्टूडियो के लोगों के हिसाब से कम्युनिस्ट इंसान कैसा था जिसको गॉड से कोई लेना देना नहीं था उसको अपने माँ बाप से अपनी वाइफ से कोई लेना देना नहीं था उसको कोई गम नहीं होता अगर उसको इन सब चीज़ों के लिए अपने बच्चों को अपने माँ बाप को भी मारना पड़ जाए वो हमेशा सिर्फ जो है बाहर हिंसा फैलाता था और लोगों में अनरेस्ट पैदा करता था उसको और कुछ काम नहीं था such notions which prevailed everywhere else in south india at that time also naturally floated about vaguely among the khadi clad poets of Jamini studios evidence of it was soon forthcoming okay, okay. you know, har jagati in south india and evidence of it was when frank bushman's moral re-armament army Some 200 strong visited Madras sometime in in 1952. They could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio. बात थी इसमें 200 army के लोग थे तो उनको जो है Gemini Studio से अच्छी नहीं मिली और वहाँ पे उनको काफी अच्छे से वेलकम किया गया Someone called the group an international circus. They very good वेरी गुड ऑन and

प्लेस किए थे जो काफी प्रोफेशनली उन्होंने शो किए किएथम वैली एंड द फैक्टर एंड शोज इन मद्रास एंड अलॉन्ग ऑफ़ सिटीजन सिटी और उनके दो प्लेस थे जोथम वैली और फॉगेटन फैक्टर जो काफी बार मद्रास में चलाए गए लोगों ने काफी पसंद किया उसे The जो, थी पूरे का जो स्टाफ था उन्होंने प्लेज एंडलिज बट दस्ट रेड जो उनका जो मैसेज था वो तो नॉर्मली था लेकिन उनके जो कॉस्ट्यूम वगैरा थे वो फर्स्ट रेट थे ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पे आपके चैप्टर में बात हो रही है आगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली पोइट्स एंड पेनकेक्स है तो सारी बात जो है वो प्लेस को लेकर फिल्म को लेकर ही, ही होगी है न तो इसके आगे चैप्टर में क्या हुआ वो हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे तब तक के लिए आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दिस इज मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे